नमस्कार आप सभी लोगों का मैं यूसर के साइंस स्टूडियो में पुनः स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी हमारे मध्य में प्रोफेसर उमा पालनी मैडम थी जो कि फॉर्मर HOD रही हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। उन्होंने आप लोगों को एल्गी जो कि प्लांट्स का एक प्रकार का ग्रुप है उनके कितने प्रकार की एल्गी होती हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कई पौधे कितने प्रकार के हमारे पौधे हैं पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ में उसके बारे में आपको बताया। एल्गी कितने प्रकार की होती हैं उनके क्या क्या हैबिटेट्स हैं और कैसे उनके करेक्टर हैं वो बताया। अब उसके आगे फर्दर अब मैडम आपको उनके वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। मैडम आपका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उसके आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। अभी तक आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधे उनकी खूबसूरत दुनिया के बारे में देखा और साथ में फिर हम उसके बाद सबसे प्रिमिटिव ग्रुप एल्गी में आए थे जिसके बारे में हमने जानकारी हमें पता चला कि वो पौधे किस तरह के हैं और उनके प्लांट बॉडी किस तरह की है और वो कहाँ हमें मिलते हैं। आपको पता चला कि ये पौधे यूबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, हर जगह पाए जाते हैं चाहे वो स्नो क्लैड माउंटेन्स हों या गर्म जगह हों या गर्म लेक्स हों या कुछ कोई और इस तरह की जगह, हर यू नेम एनीथिंग दे आर देयर। अब इसके बाद हम इन एल्गी जो कि सबसे ज्यादा प्रिमिटिव पौधे हैं प्लांट किंगडम के, इनके रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देखेंगे कि ये कहाँ इनका कैसा स्ट्रक्चर है, ये देखने में किस तरह के होते हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स हैं जिनको हम एल्गी बोलते हैं इसकी स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी और जो इन एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फाइकोलॉजी और फाइकोलॉजिस्ट टर्म कहाँ से आए एल्गी के लिए? फाइकोलॉजी जो टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड फाइकोस से बना हुआ है। फाइकोस के माने हैं एल्गा, फाइकोस का मतलब है सीवीड या एल्गा, तो फाइकोस से फाइकोलॉजी बना। लॉजी मींस लॉगोस मींस डिस्कोर्स स्टडी, तो फाइकोलॉजी हम इनको इसको जनरली कहते हैं और कॉमन भाषा में हम इनको एल्गी बोलते हैं। सिंगुलर बोलेंगे तो हम एल्गा कहते हैं। तो ये एल्गी जो है इन ये इतने तरह का अपना रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर शो करते हैं कि बहुत सिंपल एल्गी से लेके बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गी भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इनका रेंज ऑफ हैबिटेट में आपने देखा कि इतना वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, ये हर जगह मिलते हैं। उसी तरह से इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी के लिए हम जो सिंपलेस्ट एल्गा देखते हैं तो वो इतना सिंपल है कि उनकी प्लांट बॉडी बिल्कुल एक सेल के फॉर्म में होती है। तो पहला हम रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में पहली टाइप की एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर एल्गी, सिंपलेस्ट एल्गी यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो एक सेल के फॉर्म में है, सिर्फ प्लांट बॉडी एक सेल के फॉर्म में है या इस तरह से राउंड होती है। और ये सेल के फॉर्म में जो एल्गी हैं, इनमें दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजेला। तो ये जो एल्गी हैं, दे आर यूनिसेलुलर मोटाइल एंड दीज वंस दे डोंट हैव फ्लैजेला, सो दे कांट मूव, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वॉटर करेंट्स। वाटर करेंट्स भी नहीं हो, छोटा सा एक डिच में भी ये ग्रो कर रहा हो तो पानी इनको जिधर ले जाता है ये एक जगह से दूसरी जगह पानी के सहारे जाती है। तो ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी दुनिया में, एल्गी की दुनिया में हमें इतना वेरिएशन मिलता है कि सिंपलेस्ट एल्गी हमें एक सेल के फॉर्म में दिखती है जिसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जो
बीएससी में सिलेबस में आप लोग पढ़ेंगे, क्लैमाइडोमोनास एक ऐसा एल्गा है जो यूनिसेल्युलर मोटाइल एल्गा है। इसके इसमें आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो फ्लैजेला एंड एक रिड्यूस टाइप का इसमें न्यूरोमोटर एपरेटस होता है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरे तरह की इसी के कंट्रास्ट में यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला, जिसका एग्जांपल क्लोरेला है, वेरी इंपॉर्टेंट एल्गा जो कि स्पेस फ्लाइट में भी ले जाया जाता है इसकी वजह से, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग एल्गा है क्लोरेला और बहुत छोटा है, वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड इट यूटिलाइजेस वेस्ट प्रोडक्ट्स। स्पेस फ्लाइट में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्पोज करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्लोरेला की जरूरत है, क्योंकि इट यूटिलाइजेस वेस्ट प्रोडक्ट्स वेरी इजीली एंड इज एडिबल एज वेल, एडिबल भी है। तो ये स्ट्रक्चर शो करता है यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। तो सिंपलेस्ट एल्गी क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स विच शो यूनिसेल्युलर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली। इससे आगे हम बढ़ेंगे, कुछ एल्गी को और देखेंगे, तो इससे एडवांस इनकी हैबिट होगी कॉलोनियल हैबिट। कॉलोनियल का मतलब है कई सारी सेल्स एल्गी की एक कॉलोनी के फॉर्म में रहती हैं, वो एक कॉलोनी बनाती हैं, द होल कॉलोनी मूव्स विद द कंबाइंड एक्शन ऑफ देयर फ्लैजेला। लाइक एक अगर कॉलोनी को हम देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स लाइक दिस, एंड दीज सेल्स दे रिमेन कनेक्टेड विद ईच अदर बाय प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, एंड ईच सेल हैज टू फ्लैजेला जस्ट लाइक क्लैमाइडोमोनास सेल। यू रिमेंबर दैट अ कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ 60,000 to 60,000 सेल्स, छोटे से छोटी कॉलोनी होगी तो उसमें कम से कम 60 सेल होंगी, और ज्यादा से बड़ी होगी तो 60,000 सेल्स भी एक मेच्योर कॉलोनी में हो सकती है। एंड द होल कॉलोनी इज वन एल्गा एंड इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लैजेला। ईच सेल इज क्लैमाइडोमोनास टाइप, इनके अंदर का पोर्शन बिल्कुल इसी तरह से होता है, लेकिन ये सब कॉलोनी मिला के अगर इसमें 500 सेल हैं तो 500 सेल मिला के एक कॉलोनी मानी जाती है। एंड दिस इज एडवांस्ड हैबिट देन यूनिसेलुलर हैबिट बिकॉज यू कैन सी डिवीजन ऑफ लेबर इन दिस कॉलोनी। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि ये एडवांस इस सेंस में है कि यहां तो सेल को अपना काम अपने आप करना पड़ता है, here the function of cells is distributed, certain cells at the posterior part they are responsible for reproduction, reproduction ka kaam karti hai। to ek tarah se advanced habit iski ye isliye mani jati hai ki kuch cells ka kaam sirf excretion ka hai, kuch cells ka kaam reproduction ka hai, but the whole colony is just one alga and it moves with the combined action of these flagella। so if the structure looks like this, it is the example of Volvox. Volvox is a colonial alga. Hum second wala jo example inki unicellular ke baad hai, we say that isse advanced colonial algae, jiska example ek example aapko Volvox dikh raha hai, isi ke contrast mein as you have seen in case of unicellular algae there are two examples Chlamydomonas and Chlorella, here too you can show the colonial habit with the example of Volvox as well as Hydrodictyon, another alga which is the example of colonial habit, and this is like this, this cells are like this. They form a colony and this colony is non-motile, this is a colony and this is a non-motile colony, so motile bhi hai non-motile bhi, being colonial they can be motile they can be non-motile, and you must remember
that motile colony is certainly much advanced than non-motile colony. तो एक तरफ हम देख रहे हैं यूनिसेलुलर एल्गी है, उससे एडवांस्ड एल्गी है कॉलोनियल एल्गी. उसके बाद हम और आगे जाते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एल्गी जिसके एग्जांपल्स हैं वो कॉलोनी वो वाली एल्गी है नंबर 3 फिलामेंटस एल्गी. थर्ड एग्जांपल इज द फिलामेंटस एल्गी जो कि ज्यादातर एल्गी फिलामेंटस हैबिट शो करती है. फिलामेंटस जो हैबिट है दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड. अनब्रांच्ड का मतलब है व्हेन द प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ए फिलामेंट ओनली, जस्ट वन फिलामेंट विच परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस रिप्रोडक्शन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, सब कुछ एक ही में होता है. दिस इज वन फिलामेंट एंड इट रिमेन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम आइदर एज लिथोफाइट और एज फ्री फ्लोटिंग एल्गा. सम एल्गी दे रिमेन सस्पेंडेड ऑन द वॉटर बॉडी, उसके ऊपर सस्पेंडेड रहती हैं और वाटर करंट्स उनको जहां ले जाती हैं, फिलामेंट्स होते हैं लेकिन वाटर करंट्स उनको जहां ले जाती हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं. तो ऐसी एल्गी को हम प्लैंकटन्स भी कहते हैं. प्लैंकटन्स का नाम आपने इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा. प्लैंकटन्स आर दोज प्लांट्स, नॉट ओनली एल्गी बट ऑल दोज प्लांट्स जो कि प्लांट्स या एनिमल्स जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं. अगर वो प्लांट्स हैं तो उनको हम फाइटोप्लैंकटन्स कहते हैं. अगर वो एनिमल्स हैं फ्रीली फ्लोट करने वाले तो उनको हम ज़ू प्लैंकटन्स कहते हैं. तो प्लैंकटन्स के केस में फाइटोप्लैंकटन्स कई एल्गी हैं जो कि फिलामेंटस फॉर्म में भी हैं और वो या तो किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच्ड होती हैं और या वो फ्रीली फ्लोट करती हैं और या इनमें से कोई भी जो हमने अभी पहले पढ़ा हैबिटेट उनकी उस तरह से कुछ भी हो सकती है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इट इज द एग्जांपल ऑफ अ फिलामेंटस एल्गा. इसका एग्जांपल कई सारे हैं, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है और साथ में उडोगोनियम है. उडोगोनियम एक एल्गा है जो कि बहुत कॉमन फ्रेश वाटर एल्गा है या टेरेस्ट्रियल भी इसकी स्पीसीज है और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सेल्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर एंड दे फॉर्म ए फिलामेंट. द बेसल सेल इज कलरलेस, डजंट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस एंड रिमेन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड इट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट का काम है सिर्फ इसको प्लांट को किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करना. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी. नाउ वी कम टू ब्रांच फिलामेंटस एल्गी. एक फिलामेंट के अलावा अगर लेटरल ब्रांचेस हैं एल्गी में तो वो इससे एडवांस्ड हैबिट है. इट इज ए फिलामेंटस हैबिट बट ब्रांच्ड हैबिट इज सर्टेनली मच मोर एडवांस्ड हैबिट देन द अनब्रांच्ड हैबिट. फॉर एग्जाम्पल इन क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा इज वन एल्गा वेयर यू सी दैट दिस इज द प्लांट बॉडी एंड एट सर्टेन प्लेसेस lateral branches arise like this. So it is interesting to see that algae are either very small unicellular or they remain in the form of a colony or they are filamentous. Filaments may be branched or unbranched. सबसे बढ़िया example ये filamentous algae का है. आप किसी lake में चले जाएंगे, किसी pond में चले जाएंगे तो आपको उसके ऊपर ये जिसको हम common भाषा में काई कहते हैं वो देखते हैं. अगर उनको आप निकाल के ले आए और microscope में देखा तो आपको दिखाई देगा कि मोस्ट ऑफ दीज एल्गी दे शो फिलामेंटस स्ट्रक्चर. तो देयर इज अ रेंज ग्रेजुअल प्रोग्रेशन. ग्रेजुअल प्रोग्रेशन का मतलब है कि यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट, उसके बाद कॉलोनियल, उसके बाद फिलामेंटस,
फिलामेंटस में भी अनब्रांच एंड ब्रांच एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच क्लैडोफोरा. दिस इज द एल्गा विच इज वेरी कॉमन. इट इज फ्रेश वाटर एल्गा. सम स्पीसीज आर मरीन ऑल्सो एंड दिस ओडोगोनियम इज ए फ्रेश वाटर एल्गा. सम स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल. अभी आपको समझ में आ गया कि टेरेस्ट्रियल क्या हैबिट है, एक्वेटिक क्या है पानी में, फ्रेश वाटर में कौन सी एल्गी होती है, वो कैसी एल्गी होती है, वो आपने इससे पहले पढ़ा है. अब हम फोर्थ जो इनकी रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में फोर्थ पॉइंट देखेंगे. फिलामेंटस के बाद कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो कि साइफनस हैबिट शो करती है. नंबर फोर इज साइफनस हैबिट. साइफनस हैबिट का मतलब है कि व्हेन प्लांट बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ ए साइफन ओनली, इट डजंट हैव सेप्टा. द प्लांट बॉडी जस्ट लाइक दिस अ साइफन. एक साइफन को अगर आप देखेंगे, ट्यूब, पानी देने वाली जो ट्यूब होती है, आप देखते हैं पानी देने वाला जो रबर की से आप पानी देते हैं, तो वो एक सिर्फ ट्यूब के फॉर्म में होता है. उसके वो अगर उस तरह की प्लांट बॉडी है एंड इट हैज एट सम प्लेसेस ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट, सो इट रिमेन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट एंड दिस इज द प्लांट बॉडी वेयर देर आर नो सेप्टा. सेल्स अलग अलग नहीं है इसमें, एक ट्यूब की तरह से प्लांट बॉडी है जिसको हम साइफन की तरह से कहते हैं. तो ये एक और एडवांस टाइप की इसकी हैबिट है, जिसमें अगर आप इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जितना भी प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियाई है वो पेरिफेरी की तरफ होंगे, सिर्फ पेरिफेरी की तरफ होंगे. बीच का पोर्शन एक वैक्यूल के फॉर्म में होता है, इसमें कुछ भी कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, बीच वाला पोर्शन एम्प्टी होता है. तो इस तरह की एल्गी एक नई तरह की हैबिट शो करती हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर शो करती हैं, जिसको हम साइफनस हैबिट कहते हैं. ऐसी कुछ एल्गी हैं जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर शो करती हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. जब रिप्रोडक्शन होता है तब कभी कभी उसमें सेप्टा बन जाते हैं और उस सेप्टा से ही मेल और फीमेल स्ट्रक्चर उसमें डेवलप होते हैं. या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है, तो यही प्लांट बॉडी जो साइफन के फॉर्म में थी यही डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे पोर्शन, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है और हर पोर्शन इसका अलग होके नया प्लांट बना देता है. तो ये उसी टाइम इसमें सेप्टा बनते हैं जिस समय रिप्रोडक्शन होता है. तो दिस इज ए वेरी अनयूजुअल हैबिट ऑफ एल्गी आफ्टर दिस फिलामेंटस हैबिट. तो इसको हम कहते हैं साइफनस हैबिट एंड वाउकेरिया इज द एग्जाम्पल. वाउकेरिया, बोट्रिकियम, बोट्रिकियम एक और बोट्रिडियम भी है, बोट्रिकियम भी है, ये एग्जाम्पल्स हैं साइफनस हैबिट के. नाउ आफ्टर दैट वी सी देयर इज मच मोर एडवांस्ड एल्गी विच शो हेटरोट्राइकस हैबिट. हेटरोट्राइकस नंबर फाइव. हेटरोट्राइकस एज द नेम इंडिकेट्स, हेटरो मीन्स टू, ट्राइकस मीन्स ब्रांचेस, टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. व्हेन द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज इट शोज टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. फॉर एग्जाम्पल वन ब्रांच ग्रोज पैरेलल टू द ग्राउंड, सबस्ट्रेटम जहां ये ग्रो कर रहे हैं वहां पर है, इससे इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं. ऐसी इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं. ये बहुत अच्छे डायग्राम्स नहीं है लेकिन सिर्फ ये दिखाया है कि दिस इज ए ब्रांच विच मूव्स पैरेलल टू द सबस्ट्रेटम. तो ये एक तरह का सिस्टम है इसमें. दूसरा इसमें सिस्टम है इरेक्ट सिस्टम. दिस इज इरेक्ट जो कि ऊपर की तरफ एरियल पार्ट की तरफ ग्रो कर रहा है एंड दिस इज वन सिस्टम. तो ये दो तरह के सिस्टम, जब दो तरह की ब्रांचेस एल्गी में दिखाई पड़ती हैं
one moves parallel to the substratum, other is erect system. This kind of habit is called heterotrichous habit. तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी ब्राउन एल्गी हैं जो कि हेटरोट्राइगस हैबिट शो करती हैं, जिसमें दो तरह के ब्रांचेज आपको दिखाई पड़ती हैं. तो इट इज कंपेयर टू यूनिसेल्युलर कॉलोनियल फिलामेंटस साइफनस, इट शोज मच मोर एडवांस्ड हैबिट. तो ये और हायर एल्गी हैं. तो आप ये देखेंगे कि ये छोटा सा ग्रुप जो कि बहुत ही प्रिमिटिव ग्रुप माना जाता है प्लांट किंगडम का, जिसमें कि ना तो रूट्स हैं, ना स्टेम्स हैं, ना लीव्स हैं, ना इसमें वेस्कुलर सिस्टम है, पर इनकी दुनिया में ये अपने आप में अपने को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ देयर हैबिट शो करते हैं, और उसके बेस पर हमने इनको इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है. हेटरोट्राइकस हैबिट के बाद हम ऐसी हैबिट में पहुंचते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैबिट है. स्पेशलाइज्ड यूनिसेल्युलर कॉलोनियल फिलामेंटस साइफनस हेटरोट्राइकस, बट रेस्ट ऑफ द एल्गी विच शो वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, दे कम अंडर स्पेशलाइज्ड हैबिट. स्पेशलाइज्ड हैबिट में थाउजेंड्स हंड्रेड्स एल्गी हैं जो कि इनसे हटके अपना स्ट्रक्चर शो करती है. वो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि वेदर दीज आर एल्गी और दे आर हायर प्लांट्स. इफ यू गो टू बॉम्बे और एनी अदर कोस्ट एरिया, कोस्टल एरिया, चेन्नई चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, स्पेशली बॉम्बे में अगर आप जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया के पास, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो ओशन है, समुद्र है, उसमें जायंट कैल्प्स आपको दिखाई पड़ते जो कि हमें कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि ये क्या ट्रीज ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर या कोई बड़े प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. एक्चुअली दे शो दे स्ट्रक्चर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, बट दे आर नॉट एक्चुअली हायर प्लांट्स, दे आर द एल्गी. सिंस दे ग्रो इन द ओशन वेयर दे गेट लॉट्स ऑफ मिनरल्स, दे बिकम जायंट. उनकी साइज इतना बड़ा हो जाता है मिनरल न्यूट्रिशन की वजह से कि वो उनमें ना तो रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होते हैं, ना लीव्स होती हैं, लेकिन वो इस तरह से अपने को अडेप्ट कर लेते हैं कि स्यूडो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्यूडो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्यूडो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और हमें धोखा देते हैं कि ये हायर प्लांट्स. इफ यू कट ए सेक्शन यू वोंट सी एनी वेस्कुलर टिश्यूज इन देम और यू वोंट सी एनी रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स. ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, उसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होनी चाहिए, पैलिसेड पैरेन्काइमा होना चाहिए, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होनी चाहिए, टिश्यूज होने चाहिए, वेस्कुलर बंडल्स होने चाहिए. सेक्शन आप काटेंगे तो ये कोई स्ट्रक्चर उसमें नहीं मिलते हैं. तो वो स्पेशलाइज्ड हैबिट है, वो हैबिट है जो इन सबसे अलग होके है और मच मोर एडवांस्ड हैबिट है, जिसमें जिसके अंदर कई एल्गी का एग्जाम्पल होता है जो कि समुद्र में ज्यादातर मिलती है ऐसी एल्गी. कुछ ऐसी भी हैं जो फ्रेश वाटर हैं या टेरेस्ट्रियल हैं एंड दे शो कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल कैरा, कैरा इज ए प्लांट, इज एन एल्गा जिसको हम कहते हैं कैरा, वेरी कॉमन टेरेस्ट्रियल एल्गा, यूज टू बिलोंग टू ग्रीन एल्गी. हम ग्रीन एल्गी क्या है, ब्राउन एल्गी क्या है, इसको बाद में हम देखेंगे. अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि ये एक एल्गी के एक ग्रुप को बिलोंग करती है और ये जो कैरा है ये मडी प्लेसेस में ग्रो करता है, लेकिन प्लांट बॉडी इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है. एक इसमें सेंट्रल एक्सिस होती है और सेंट्रल एक्सिस होने के बाद इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जिस जगह पर ये ग्रो करता है वहां ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप कर देता है एंड एट द सेम टाइम इट हैज नोड्स एंड इंटर नोड्स. ये इस पोर्शन में भी टिश्यूज दिखाई पड़ते हैं, इन पोर्शंस में भी, और इन दो के बीच का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड इंटरनोड. तो नोड्स और इंटरनोड होने के बाद इससे लेटरल ब्रांचेस ग्रो कर जाती हैं. इस तरह से ये एक ग्रुप में इस तरह की लेटरल ब्रांचेस ग्रो करती हैं और ये दूर से देखने में हमें दिखाई पड़ता है एक बुशी अपीयरेंस शो करता है, बुश की तरह से दिखाई पड़ता है. तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड whether it is a this bush belongs to higher plant, angiosperms तो नहीं है,
क्योंकि ये जब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा ये कहीं से भी एल्गी से रिजेंबल नहीं करता है। फिर ये इसके बीच से ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ निकलती है, इस तरह की ब्रांचेस निकलती है जो फिर से डिवाइड होती है और यहां से फिर सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहां पर ऐसी कई सारी ब्रांचेस बीच बीच में ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलती रहती है एंड द होल प्लांट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ ए बुश विच सीइंग दिस वी गेट कंफ्यूज दैट दिस इज द राइजॉइड दिस इज द स्टेम एंड दीज आर द लीव्स दो दे आर नॉट ट्रू लीव्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ हैबिट्स वेयर एल्गी शो दिस काइंड ऑफ हैबिट दिस कम्स अंडर स्पेशलाइज्ड हैबिट। ये अपने को अडेप्ट इस तरह से कर लेती हैं कि दे ये डिस्गाइज करती हैं हमको, हमको धोखा देती हैं कि ये हायर प्लांट्स हैं। इसके नॉट ओनली द केरा बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी एल्गी विच बिलोंग टू रोडोफाइसी और द रेड एल्गी समुद्र में रहने वाली एल्गी हैं। उनमें बहुत और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सार्गासम दिस इज ए वेरी कॉमन एल्गा मैरीन एल्गा एंड एज आई सेड इफ यू गो टू मुंबई यू कैन सी इट जस्ट नियर द सी शोर गेटवे ऑफ इंडिया के पास आपको ये दिखाई पड़ता है सार्गासम। और ये सार्गासम और भी ज्यादा इससे भी ज्यादा केरा से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें आपको लेटरल ब्रांचेस दिखाई पड़ती हैं, लेटरल ब्रांचेस के बीच में लीव्स की तरह से स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाई पड़ते हैं। दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दे डेवलप। यहां तो आपको लेटरल ब्रांचेस दिख रही हैं, यहां पर आपको लेटरल ब्रांचेस हैं, इनमें प्रॉपर लीव्स की तरह से स्ट्रक्चर्स भी दिखाई पड़ते हैं इस तरह से एंड दे हैव इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे एंड दिस इज द एयर ब्लैडर्स दे एयर ब्लैडर्स। एयर ब्लैडर्स का फायदा क्या है इन एल्गी में जो कि ये एयर ब्लैडर्स दे आर फिल्ड विद एयर एंड दे प्रोवाइड बोयंसी मीन्स दे कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर बिकॉज ऑफ दीज एयर ब्लैडर्स विच आर फिल्ड विद एयर। लेकिन इस एयर ब्लैडर के ऊपर आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लीफ विद इन इन्वर्टेड कॉमा कह रहे हैं। वाई वी पुट इन्वर्टेड कॉमा इन द लीफ बिकॉज दिस इज नॉट ए ट्रू लीफ दे डेवलप इन सच ए वे सो एज टू गिव एन अपियरेंस ऑफ ए लीफ बट दे आर नॉट रियली ट्रू लीव्स। इनमें कोई मिडरिब नहीं है, कोई इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, कोई स्क्लेरेन्काइमा नहीं है, कोई पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं है। बस ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बहुत सारे मिनरल हो जाने की वजह से ये इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि ये हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। एट द सेम टाइम देर आर सर्टेन ब्रांचेस विच आर फर्टाइल ब्रांचेस दीज ब्रांचेस दे शो स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। कुछ तो लीफ की तरह से दिखाई पड़ती है, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो zigzag मोशन में ग्रो करती है। तो ये फर्टाइल ब्रांचेस हैं एंड द फंक्शन ऑफ दीज ब्रांचेस इज टू रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड दस द नंबर ऑफ सच प्लांट्स इंक्रीज एंड दीज आर सिंपली दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनकी वजह से हमें ये स्पेशलाइज्ड हैबिट में दिखाई पड़ता है कि दिस इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर दिस इज द स्टेम दीज आर द लीव्स बट नॉट रियली ट्रू स्टेम्स ट्रू लीव्स ट्रू रूट्स। तो ये कॉम्प्लिकेटेड ये एग्जाम्पल है सार्गासम सार्गासम विच इज ए ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा हम क्यों कहते हैं इसको बिकॉज दीज एल्गी दे कंटेन्स सर्टेन जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स एक तरह के पिगमेंट्स हैं जो कि इन एल्गी के अंदर होते हैं जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। क्लोरोफिल के अलावा भी इसमें पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट विच पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड ये एल्गी की खास बात है कि ऑल दीज एल्गी दे हैव क्लोरोफिल एंड दैट टू पर्टिकुलरली क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल भी कई तरह के हैं, क्लोरोफिल ए इज द मेन क्लोरोफिल विच पार्टिसिपेट्स इन
फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से खाना बनता है। क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी सी डी ई एंड सो ऑन, इतने तरह के एल्गी में क्लोरोफिल होते हैं। सिमिलरली बिसाइड्स दिस क्लोरोफिल देर आर सर्टेन अदर पिगमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जेंथोफिल्स, जेंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स, कैरोटीन्स। तो ये एल्गी को हम ब्राउन एल्गी, हमने सारगसम करके जिक्र में कहा कि ब्राउन एल्गा है, तो इसमें क्लोरोफिल तो होता ही है, उसके अलावा ऐसे जेंथोफिल्स होते हैं विच इम्पार्ट ब्राउन कलर टू दीज एल्गी। समुद्र में ग्रो कर रही हैं लेकिन हमें भूरे रंग की दिखाई पड़ती हैं, ग्रीन नहीं दिखाई पड़ती। ग्रीन पिगमेंट इसका जो है वो ढक जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ दिस जेंथोफिल, एंड जेंथोफिल इज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप विच इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसको हम ब्राउन एल्गा कहते रहे। ये इस रेफरेंस में मैंने यहां पर बताया कि हमने कहा सार्गासम एक ब्राउन एल्गा है, हमने कैरा को कहा इट इज ए ग्रीन एल्गा या क्लोरोफाइसी का मेंबर है, अब इसको एक कैरोफाइसी में हमने रख दिया है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर्स क्लोरोफाइसी से भी रिजेंबल करते हैं, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो इसका ग्रुप अलग बना दिया है। लेकिन इसमें प्रेडोमिनेंट पिगमेंट जो है दैट इज द क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दीज एल्गी दे अपीयर ग्रीन इन कलर, वेयर एज सार्गासम अपीयर्स ब्राउन इन कलर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ दिस जेंथोफिल पिगमेंट अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल पिगमेंट। कैरोटीन्स भी होते हैं लेकिन जेंथोफिल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई इसलिए दे गिव ब्राउन कलर टू द प्लांट। सो बाय सीइंग दिस यू विल रियलाइज दैट एल्गी दो ए स्मॉल ग्रुप, वेरी प्रिमिटिव ग्रुप, डजंट हैव रूट सिस्टम्स एंड लीव्स एंड नो वेस्कुलर बंडल्स, नो एम्ब्रियो, नथिंग लाइक दिस, नो सीड्स, स्टिल दे हैव देयर ओन वर्ल्ड एंड दे आर अडेप्टेड इन सच ए वे सो एज टू गिव अस डाइवर्सिटी इन देयर हैबिटेट एंड डाइवर्सिटी इन देयर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, राइट फ्रॉम यूनिसेलुलर एल्गी टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड एल्गी विच बिलोंग टू स्पेशलाइज्ड हैबिट। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर हैबिट और रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर विच शोज स्लाइट प्रोग्रेशन फ्रॉम यूनिसेलुलर टू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर।